हाय हेलो एवरीवन, आज है हमारा नेक्स्ट डे। सो चलिए तो माय फ्रेंड्स, वर्कआउट इतना अच्छा गया, लिटरली मेरे को क्रैम्स आ रहे। इधर इधर सब जगह क्रैम्स आ रहे हैं लेग्स में। इस वर्कआउट पे लिटरली मेरा हार्ट बीट 150-160 पे ही था पूरा। बहुत अच्छा वर्कआउट गया था। आई फील लाइक वॉमिटिंग नाउ। बहुत काम है लेग्स पे। आज मैंने एडक्टर्स भी नहीं किए, फिर भी
तो टोटल 80 मिनट्स ऑफ स्वीट पेन, बहुत मज़ा आया। आई फील लाइक वॉमिटिंग नाउ, इसीलिए बाहर की हवा खा रहा हूँ। ठंडी ठंडी लिफ्ट में भी आज इतना क्राउड हो गया था कि बहुत हीट जनरेट हो गई वहाँ पे। सो एनी हो, मेरे को पहले पहले ना स्वॉट बिल्कुल पसंद नहीं थे, अभी आई एम लाइकिंग मोर देन एनी थिंग स्क्वाट्स को। अभी बस मुझे क्या अच्छा नहीं लगता पता है, कि वो जो भी एक्सरसाइज, लंजेस, आई मीन बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट हो या फिर एलिवेटेड लंजेस हो, मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा। अब मेरे को वही हार्ड लग रहा। एनी हो, पहले घर चलते हैं भाई। मुझे एक बात फील हुई कि अगर आप फुल्ली कवर्ड होके एक्सरसाइज करते हो ना, तो आपका मसल माइंड कनेक्शन अच्छा बनता है। मेरे को ये फील हुआ आज, क्योंकि कभी जब भी लेग्स हो तो मैं शॉर्ट्स ही पहन के जाता हूँ, लेकिन आज मैं फुल्ली कवर्ड था ना, तो इसलिए आई फील लाइक मसल माइंड कनेक्शन अच्छा हुआ। एंड बहुत अच्छा फील हो रहा। तो व्हाट आई एम सेइंग इज, अगर आपको आपका मसल नहीं दिख रहा है, तो आप लोग अगर कवर्ड अप हो, मतलब पंप कवर ले लो या फिर कुछ भी ले लो, जब आप जिम कर रहे हो या फिर कुछ भी ट्रेनिंग कर रहे हो, आपका मसल नहीं दिख रहा है, मतलब आपका मसल नहीं दिख रहा है, तब आप लोग यानी माइंड पे डिपेंड करोगे कि आपका फुल कंट्रैक्शन हो रहा है या नहीं, तब अच्छे और अच्छे से होगा एक्सरसाइज। मेरे को ये लगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आप लोग को भी लगता है क्या ऐसा, तो एक बार कमेंट कर देना मेरे लिए। एंड वही है, तो अभी मैंने आके प्रोटीन शेक पिया, थोड़ा संभला हूँ, यही है। तो इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। इट मोटिवेट्स मी टू डू मोर एंड मोर ट्रेनिंग वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।